हेलो फ्रेंड्स, पाइथन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम टेम्परेचर इन सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में, और अब हम देखते हैं कैसे हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें करना है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट। पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ठीक है, तो अब मुझे टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं लेना है, फ़ारेनहाइट में एंटर करवाना है। टेम्परेचर जो यूज़र एंटर करेगा वो पॉइंट में भी हो सकती है उसकी वैल्यू, तो मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और रिसीव कर लेता हूँ फ़ारेनहाइट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये जो फ़ारेनहाइट मैंने यहाँ लिखा था इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने टेम्परेचर एंटर करवा लिया यूज़र से, फ्लोट में कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। अब मुझे फ़ारेनहाइट से कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अगर फ़ारेनहाइट से हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 से, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब जो रिज़ल्ट आया उसको मैं डिवाइड करूँगा 9 से। ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है अगर सेल्सियस में, तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट -32, देन आफ्टर मल्टीप्लाई 5, देन आफ्टर डिवाइड बाय 9। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो सेल्सियस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, और जो सेल्सियस की वैल्यू हो वो मुझे डिस्प्ले करनी है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो शिफ्ट के साथ मैंने राइट क्लिक किया, कमांड विंडो हियर को ओपन किया। कमांड विंडो हियर पे मैंने क्लिक कर दिया तो सीएमडी विंडो ओपन हो गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1.py फाइल का नाम, मैसेज आ गया एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो मैंने टेम्परेचर यहाँ पे एंटर कर दिया 54, एंटर किया तो वैल्यू आ गई सेल्सियस में, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज़ 12.2222 अप टू सोन, यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। सो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में हमने देखा कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में लिए हुए टेम्परेचर को सेल्सियस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।